अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गोल्डन रेशियो सीरीज़ पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। हर सीरीज़ को मैंने अलग-अलग अलग आर्ट बोर्ड जिसका साइज़ 1920x1080p हो 1080 पिक्सल्स होगा और हर लेयर्स सेपरेटली पे बनाया है। बैकग्राउंड मैंने सभी पे कॉपी पेस्ट किया है, सभी आर्ट बोर्ड पे। हम अपनी इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस पार्ट टू जो है हमारा, उसकी जो गोल्डन रेशियो स्क्वेयर्स वाली थी रेक्टेंगल्स की, उसे हम कॉपी कर लेंगे इस आर्ट बोर्ड पे। इस पार्ट के लिए हमें यही सर्कुल एक्लिप्स क्रिएट करने हैं जो के सेम साइज़ के होंगे। हम सब इंडिविजुअली सभी स्क्वेयर्स को सिलेक्शन टूल की मदद से सर्कुल एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेयर्स के पैनल में जो राइट साइड पे छोटे सर्कल्स हैं, इनको हम सिलेक्ट करके सभी पाथ्स या सभी बॉक्सेस या एक्लिप्स को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे सेम साइज़ के। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सभी सर्कल्स पार्शियली रेशियोड हैं 1.618 के हिसाब से। लार्ज सर्कल लिया, एडिट के मेन्यू में जाके इसको कॉपी किया और फिर से एडिट के ही मेन्यू में जाके इसको पेस्ट इन प्लेस किया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म विंडो में ये टू सर्कल्स हैं हमारे पास। एक एक्लिप्स को हम फॉरवर्ड / 1.618 प्रेस इंटर कर देंगे और ये एग्जैक्टली सेम हमारे दूसरे के साथ हो जाएगा। फिर से कॉपी करेंगे इस सर्कल को और एडिट के मेन्यू में ही पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। फॉरवर्ड / विद में फॉरवर्ड / 1.618 और फिर इसके बाद इंटर कर देंगे, इंटर प्रेस। फिर से कॉपी, जिस तरह से हमने अपने पिछली पार्ट में गोल्डन रेशियो सीरीज के 7 रेक्टेंगल्स क्रिएट किए थे, इसी तरह हम इस पार्ट में 7 एक्लिप्स क्रिएट करेंगे जो कि पार्शियली डिवाइडेड होंगे 1.618। लार्ज सर्कल टू स्मॉलेस्ट सर्कल 4, 5, 6, 7, टोटल हम 7 सर्कल क्रिएट करेंगे। फिर से एडिट के मेन्यू में कॉपी और एडिट के मेन्यू में ही पेस्ट इन प्लेस। आप सभी देख सकते हैं कि ये सर्कल्स, लार्ज सर्कल मैंने क्यूइंग के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिया था। अब हम अगली गोल्डन रेशियो क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम अपने प्रीवियस पार्ट से ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉपी कर लेंगे और अपने न्यू आर्ट बोर्ड पे, आर्ट बोर्ड हमारा 3 जो पार्ट 3 का हिस्सा है, उसमें पेस्ट कर लेंगे और इसके सभी रेक्टेंगल्स को हम सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्लिक कर लेंगे और इसकी ये कॉपी करके एडिट के मेन्यू से कॉपी और एडिट के मेन्यू में ही पेस्ट इन प्लेस कर लेंगे। जो बैकग्राउंड पे हमारी बॉक्स लेयर है, बॉक्स पाथ है, उसको हम लॉक कर लेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से हमारा
इस पूरे रेक्टेंगल को कॉपी करके सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप, और फिर इंडिविजुअली सभी बॉक्सेस को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी रेक्टेंगल्स को। रेक्टेंगल्स को एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। कॉर्नर रेडियस को ड्रैग करके हम सभी स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल जो हैं हमारे, उनको सर्कल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इन रेक्टेंगल्स को हम ज़रा डिफरेंट करने के लिए इनका कलर, हमारी जो गोल्डन रेशियो पाथ्स होते हैं उनका हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आई ड्रॉपर की मदद से। सभी रेक्टेंगल्स को हम सर्कुलर में कन्वर्ट, एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो हमारे इजाफी रेक्टेंगल्स रिमेनिंग है उसको हम डिलीट कर देंगे। इन सभी एक्लिप्स को हम थोड़ा सा इनका स्ट्रोक एडजस्ट करेंगे, फिर इसको मार्क ऑल करके, सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्शन टूल की मदद से सभी एक्लिप्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इनकी एडिट के मेन्यू में कॉपी लेकर एक पेस्ट कर लेंगे एडिट के मेन्यू में ही। ये सभी सर्कल्स, इन सबको सेलेक्ट ऑल करके सिलेक्शन टूल की मदद से अनग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप। लार्जेस्ट सर्कल को सेलेक्ट करके, सभी सर्कल्स को सेलेक्ट करके लार्जेस्ट सर्कल पे डबल क्लिक कर, राइट सिंगल क्लिक करेंगे, और फिर इन्हें अलाइन कर लेंगे सेंट्रल अलाइन। ये सभी सर्कल्स पार्शियली डिवाइडेड हैं फॉरवर्ड स्लैश 1.618 रेशियो के हिसाब से। इस गोल्डन रेशियो को भी हम लोगो डिजाइनिंग, पैटर्न